Welcome everyone, this is Saman Asad, your image consultant, grooming trainer. Hamesha ki tarah, Chiltan Studio se, aapki khidmat mein ek nayi tip ke saath hazir. Janab, is video mein aaj mera saath de rahi hai Rida Tanveer. I hope ki maine model ka naam bilkul theek liya hai. Ji haan, theek liya hai. Sahi liya hai na? Yes, sir. Great. To janab, Rida Tanveer aaj hamara saath de rahi hai is video mein. Inhone apne baal hazir kar diye hain taaki aapko ek achhi si jo tip hai, wo proper result ke saath dikhai ja sake. Rida ke baal is waqt is haal में मेरे पास आए हैं, मुझ तक पहुंचे हैं, यू नो आप लोग देख सकते हैं रिदा के जो बालों की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरह से है. लेकिन आज की इस टेक्निक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम रिदा के बालों के साथ जो टिप अप्लाई करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन करने वाले हैं, उसके बाद इसका रिजल्ट कैसा निकलता है. आज की जो टिप है उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ऑर्गेनिक हैं, प्योर हैं और उसको प्रॉपरली बनाया गया है. बनाया कैसे गया है वो आपको बताती चलूं, लेकिन उससे पहले कि बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं. आज की इस टिप में मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ बेसिकली एक ऑयल. उस ऑयल की एप्लीकेशन होगी रिदा के बालों में. वो ऑयल बना है चार इंग्रेडिएंट्स से मिलकर. वो चार इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जनाब? मैंने आज की इस टिप में शामिल किया है कोकोनट ऑयल, अनियन ऑयल, कड़ी पत्ता और मेथी लीव्स. अगर आपके पास मेथी लीव्स ना हो तो आप मेथी दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपके पास यू नो अनियन ऑयल मौजूद नहीं है तो फिर आप अनियन को कद्दूकश करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. देखिए मेरा कमाल, मैंने आपके लिए जो टिप है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दी. एनीवेज चलते हैं अपनी उस टिप की जानिब. मैंने क्या किया है कि मैं इन चारों चीज़ों को एक बाउल में शामिल कर लिया है और उसको रख दिया है चूल्हे पर. क्वांटिटी क्या क्या होनी चाहिए आपके बालों के हिसाब से. इस वक्त जो मेरे पास बाल हैं, यू नो ये मेरी मॉडल के बालों के हिसाब से मैंने एक पॉट के अंदर डाला है 4 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 4 टेबलस्पून अनियन ऑयल, 1/2 टीस्पून मेथी लीव्स का पाउडर और 2 अदद बड़े बड़े कड़ी पत्ता जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया एक बर्तन में डाल के. चूल्हे के ऊपर ऑब्वियसली इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने इन चारों इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद चूल्हे पे रख के तड़का लेना है. जब आपके लीव्स का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो दैट विल बी द सिचुएशन जिस वक्त आपने अपनी देगची को, अपने बर्तन को चूल्हे से हटा लेना है. हटा लिया उसके बाद इसको डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है. इसको आपने स्टेन कर लेना है एक पॉट के साथ. आप देख सकते हैं साइड की वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने उसको स्टेन कर लिया है. तो अब क्या होगा कि मेरे पास एक ऑयल फॉर्म में वो मिक्सचर आ जाएगा. अच्छा ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म में मेरे पास स्टेन करने के बाद ऑयल जो है वो आ चुका है. और इस ऑयल को नीम गरम होना जो है वो इस एप्लीकेशन की शर्त है. कोशिश कीजिएगा कि ये नीम गरम हो तभी इसका सही रिजल्ट इसके बालों पे आएगा. तो इसके साथ ही हम चलते हैं एप्लीकेशन की जानिब. अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये बाल हैं, इन बालों के हमने 3 सेक्शंस जो है वो बना लेने. वैसे तो आप जितने भी सेक्शंस बना लें वो बेहतर होते हैं, तो लेकिन मुझे जो है वो 3 सेक्शंस की ज़रूरत इसलिए होती है कि मैं उस टिप से शुरू करती हूँ, उस तरीके से करती हूँ जैसा बचपन में हमारी नानी दादी किया करती थी. कोई भी ऑयल लगाने से पहले जो प्रॉपर चंपी किया करती थी, तो ये जो चंपी सेशन है ये बड़ा पुरसकून होता था. मुझे याद है कि ढेर सारे बच्चे होते थे, लड़कियाँ हम लोग घर में, और सब लड़कियों को इकट्ठे बैठा कर और बारी बारी यू नो हर बच्चे के सर पे तेल लगाया जाता था. पता चलता था वीकेंड आ गया है और आज नानी ने सबके बालों पे तेल लगाना है, मालिश करनी है. आई नो अब वो कहाँ पे मंजर रह गए, वहाँ पे जब सुकून हुआ करता था वो अब तलाश करते रह जाते हैं क्योंकि हमारी अब की जो मसरूफियात है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हुई है. एनी वेज जनाब हम उस सिचुएशन को बहुत मिस करते हैं, बड़े हो गए. कोशिश करेंगे कि हम ऐसी नानी दादी बन जाएं कि अपने बच्चों को बिठा के उनकी चंपी करें. लेकिन इस वक्त मेरा बच्चा जो है वो है रिदा और मैं हूँ इसकी नानी. चलते हैं टिप की जानिब. तो मैंने क्या किया है कि इसको मैंने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लिया.
आपके लिए तीन पोर्शन भी डिवाइड करना इजी हो जाता है और डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना भी इजी हो जाता है। लेकिन मुझे याद है कि मेरी नानी हमेशा तालू के ऊपर से जो है वो ऑयल डाला करती थी। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल की है वो इसके अंदर इस तरीके से आ गई हैं, जिस तरह से चारों चीज़ों का अपना अपना एक फ़ायदा है। साथ साथ अप्लाई करती जाऊंगी और उसके साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी कि हर प्रोडक्ट का जो फ़ायदा वो क्या है। यू कैन सी दैट कि मैंने इसको इस तरीके से इसके बालों में डाला है। कोकोनट ऑयल को बात करते हैं। कोकोनट ऑयल एक बेस्ट जो ऑयल है बालों के लिए। किस तरह के जो कोकोनट ऑयल है इसकी ख़ास बात ये होती है जनाब कि ये आपको एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है। हर तरह के किसी भी यू नो पॉल्यूटेड जो आपके बालों में चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपके बाल प्रॉपर डैमेज होने लगते हैं, तो ये एनवायरमेंटल डैमेज से आपके बालों को बचाता है। अपने आप में कोकोनट ऑयल के अंदर इतनी ज़्यादा चिकनाई नहीं पाई जाती, लेकिन ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है आपके बालों के लिए कि आपके बालों के अंदर जो स्कैल्प होती है उस स्कैल्प में यू नो कई बार पूरे पूरे स्वैचेस बन जाते हैं खुश्की के। तो ये इस तरीके से मॉइस्चराइज़ करता है बालों को कि सारे वो जो पैचेस होते हैं ना उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो हमने कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया, कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसका ख़ास जो मुरक्कब है यू नो अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें कड़ी पत्ते को, वो भी बड़ा अच्छा इफेक्टिव होता है। अगर आप उसको करते हैं यू नो डायरेक्ट पत्ते को ही जलाकर या उसका ब्राउन करके ऑयल में लगाते हैं तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है उस ऑयल में जो ऑयल आप अपने बालों में लगाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा क्या करेंगे कि स्कैल्प की तरफ से लगाएंगे। नॉर्मली लोगों में एक मिथ पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि आपको स्कैल्प पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्कैल्प ऑयल खुद प्रोड्यूस करती है। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। भले ही स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूस करती हो लेकिन आपके बालों को मॉइस्चराइज़र की शदीद ज़रूरत होती है। और फिर वहीं पे आऊँगी, नानी दादी के ज़माने में कहाँ आपको ऐसे होता था कि ऊपर ऊपर से लगाया, ऐसा कभी भी नहीं होता था। हमेशा हमारी स्कैल्प के ऊपर लगा के हल्के हल्के नरम और मुलायम हाथों से उसकी मालिश की जाती थी ताकि स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, राइट? अच्छा, तीसरा मेरे पास इस वक्त मेथी लीव्स हैं। मेथी लीव्स हो गए, मेथी दाना हो गया, इन दोनों में ऐसी खासूसियात पाई जाती हैं जनाब, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, उसके स्प्लिट एंड्स बन रहे होते हैं जिसको आप दो मुंह भी कहते हैं, या फिर उसमें ये मसले होते हैं कि काशे मन के टूटना शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि बाल वीक हो रहे होते हैं। तो मेथी दाना और मेथी लीव्स के अंदर वो सख्त पाई जाती है जो कि आपके बालों को उन तमाम तर इशूज से बचाती है, मददगार साबित होती है। चौथा इंग्रीडियंट किसको नहीं पता, मैंने शामिल किया है जनाब अनियन ऑयल, चिल्तन की खास प्रोडक्ट जिसका इतना जबरदस्त रिव्यू आया। और सबसे अच्छी बात यह कि जिसने एक दफा लिया उसने बार बार मंगवाया। मेरा ख्याल है कि चिल्तन की सारी प्रोडक्ट्स में से मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई प्रोडक्ट इतनी सेल नहीं हुई होगी जितना अनियन ऑयल, डेफिनेटली। बाकी भी हुई होंगी ऑब्वियसली, मैं कोई उस डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करती, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, जब आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके लगाया ना तो ये बहुत अच्छे से आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा, कम भी लगेगा और अच्छे से बालों में यू नो जज़ब भी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि हल्का सा ऑयल जो है ना वो कोज़ी होना चाहिए। कभी भी किसी भी किस्म का ऑयल लगाएं तो उसका कोज़ी होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो फिर प्रॉपर तरीके से आपके बालों में वो देता है जो आप चाह रहे होते हैं, मतलब वो फ़ायदा देता है। अच्छा, तो बात हो रही थी किसकी भला, हम थे अनियन ऑयल की तरफ। तो जनाब जिन लोगों के बाल टूट रहे होते हैं या गंज आ रही होती है बालों में, गंजपन आ रहा होता है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अनियन ऑयल का इस्तेमाल शुरू करें। चिल्तन का अनियन ऑयल जो है उसको आप बड़े ईजीली ऑर्डर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके, विच इज़ डब्ल्यू 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 डॉट
chiltan.com, और हो सकता है मैंने गलत वेबसाइट बोल दी हो, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यू नो, क्योंकि हमने वेबसाइट का जो एड्रेस है वो नीचे दे दिया, आपने घबराना नहीं है, बस यू नो, नया पाकिस्तान है, किसी भी बात पे घबराना नहीं है। तो ये सब लोग हंस रहे, दैट्स व्हाट आई वांट, कि काम करते हुए थोड़ी सी हंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। आधे बालों पे जो है ना मैंने इसके लगा दी, क्या याद करेगी रिदा, आज रिदा के बालों के साथ मैंने सोना जाना, रिदा प्लीज, मैंने आज तुम्हारी नानी बन के तुम्हें चंपी की है, पता चले रिदा सोई हो, और अगर मेरी मॉडल सो गई तो मेरी वीडियो ख़राब हो सकती है। एनीवेज जनाब, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने अपनी तारीफ थोड़ी खुद भी कर लूँ, इस वक्त वीडियो में तो कोई है नहीं जो तारीफ करेगा। हाँ, आप कमेंट सेक्शन पे आकर ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको आज की जो वीडियो है, जो टिप है, वो कैसी लगी है। आप लोगों को मज़े की एक बात बताऊँ, मैं बहुत सारी टिप्स इस तरह निकालती रहती हूँ, लेकिन तब तक उसकी एप्लीकेशन आपके सामने नहीं लेके आती, कुछ मेरे अदारे की तरफ से भी मुझे यू नो अलाउ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ से एग्री करूँगी। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई यू नो टिप लेकर आनी है मंजर आम पे, तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले उसको खुद अप्लाई करके देखें। तो मेरे बाल दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। एक और तारीफ अपनी कर लूँ, गलत नहीं कह रही हूँ, मतलब मुझे मेरी पार्लर वाली जो बाजी है उन्होंने कहा था कि वाह क्या बात है। तो जनाब वो इसीलिए बात अच्छी है कि मैं अपने बालों की बड़ी केयर करती हूँ। इन सब के बालों में जो टिप आनी होती है ना एप्लीकेशन, उससे पहले वो मैं अपने बालों पे अप्लाई करके देखती हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा आने वाला है। एंड बिलीव मी, मेरे बाल ऑर्गेनिक ऑयल्स और ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद इतने हेल्दी और इतने कमाल होते जा रहे हैं कि समटाइम्स मुझे अपने बालों को देखकर यकीन नहीं आता कि ये मेरे वही ड्राई खुदरे स्प्लिटेंट्स वाले और उल्टे सीधे बाल हैं। मुझे याद है कि पहले मेरी मदर मुझे कहा करती थी हर दूसरे दिन जाके बाल मत कटवा दिया करो, और मैं उनको ये जस्टिफिकेशन देती कि दो मुंह बन गए थे, आजकल स्टाइल ऐसा चल रहा है। लेकिन जब से मेरे बाल अच्छे और हेल्दी होना शुरू हुए, तो मुझे मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन हो गई। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बालों को जो है ना जाके कटिंग करवाऊँ, क्योंकि वो इतने अच्छे देखने में लगना शुरू हो गए। यू नो रिदा, तुम सो तो नहीं रही हो? मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी अच्छी बातें करके रिदा को जगाए रखूँ, आप लोग को भी जगाए रखूँ, आप भी वीडियो को प्रॉपर इंजॉय करें। तो जनाब अच्छा, जरा आपको मैं बताऊँ, आपने इसमें पाउडर डाला है ना, जैसे मैंने मेथी लीव्स का पाउडर डाला है, या फिर आप मेथी दाना डालेंगे, जो भी डालेंगे मेथी दाना डालेंगे तो अच्छे तरीके से स्टेन हो जाएगा। लेकिन आपने अगर पाउडर डाला है, तो जब आपका ये कूल होगा ना, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हल्का सा ठंडा होगा, तो क्या होगा कि जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, ऑयल। तो आप इसके ऑयल से प्रॉपर जो है ना वो फ़ायदा उठा सकेंगे। आप देख रहे हैं मैं कितने नरम हाथों के साथ इसके बालों में चंपी कर रही हूँ। अच्छा, नॉर्मली इसके साथ डिफरेंट किस्म की टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देती रहती हूँ। कोशिश करें कि जब बालों में तेल ना लगाया हो, तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, प्रीता तुम्हारी आदत तो नहीं है बालों के अंदर हाथ डाल के ऐसे से करना है? ओह माय गॉड, इस आदत से जो है ना वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे फिर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। मैंने कहा थोड़ा टीम के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए ना, हमारी टीम बहुत काबिल है माशाल्लाह, और जब मैं स्टूडियो में आती हूँ ना, तो स्टूडियो ठंडा भी होता है और चाय भी पड़ी होती है, और मैं सोई भी सुबह सुबह जाग जाती हूँ, तो इतनी प्यारी टीम है जो नसीबों से मिलती है इंसान को। और उसके बाद फिर ये लोग मेरी तारीफ भी बहुत करते तारीफ किसको पसंद नहीं होती, हाँ, लेकिन ये कि मैं उनको ये कहती हूँ कि अब अगर तुमने ये टिप जाकर अप्लाई नहीं की तो मुझसे बात ना करना। तो शुक्र है कि हमारी टीम के सब लोग कहते हैं हमारी स्किन भी अच्छी हो रही है, नाखून भी अच्छे हो रहे हैं, और बाल भी अच्छे हो रहे हैं। तो जनाब मुझे लगता है कि आपको भी फौरन से इस टिप को जो है वो करना है इस्तेमाल, और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में जब भी ये वीडियो देखें कि आपने इसको इस्तेमाल किया कि नहीं। जनाब ये देखें, मैंने दिलो जान के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज में इस ऑयल को बनाने के बाद जनाब रिदा तनवीर के बालों में लगा दिया है।
अच्छा कहाँ कहाँ पे लगाया? मैंने यहाँ पे लगाया है, नर्व्स के ऊपर लगाया है, कान के पीछे लगाया है, फिर आप जिसका मैंने तालुका था उसे पीछे लगाया है, थोड़ा सा बालों को मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ क्योंकि आपके जो सोए हुए सारे नर्वस सिस्टम को मैंने जगा दिया है। इस वक्त हृदय बेशक चुड़ैल लग रही है, बट बिलीव मी ये इस चंपी को बहुत इंजॉय कर रही है। आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना, 25 मिनट तक से लेकर 4 घंटे तक, 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक आप इसको बालों में लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक के साथ आपके साथ आऊँगी, आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। थोड़े से ब्रेक के बाद आती हूँ, देखिएगा इसकी फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। जी जनाब, आप देख रहे होंगे कि इस वक्त मेरे हाथ में एक ज़बरदस्ती बॉटल है। बॉटल का साइज बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग मिक्सचर जो रह गया था उसके है, और क्योंकि आपका जो मिक्सचर रह गया था वो अभी भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप उसको प्रिजर्व कर लें और उसको आपको संभाल के रखना है उसी के साइज़ की बॉटल में या कोई भी बॉटल आपके पास पड़ी हुई है खाली उसमें डाल लें, ताकि वो जो मिक्सचर रह गया है उसको आप नेक्स्ट वीक में इसी तरीके से थोड़ा सा गर्म करके अपने बालों में उसकी मालिश कर सकें। तो जनाब आपने वीडियो देखी है, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी जो आज की टिप है, जो टेक्निक है, वो बहुत पसंद आई होगी, आप उसको अप्लाई भी करेंगे। वीडियो को देखना जो है वो आपने शुरू किया, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगी कि फाइनल लुक जब आप देख लें तो उसको देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चिल्तन की प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए यू विल हैव टू गो टू द वेबसाइट। आप नीचे देख सकते हैं आपको वेबसाइट जो है वो बता दी गई है, वेबसाइट पे आके अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर करें, सेम डे इफ़ यू आर इन लाहौर आपको रिसीव हो जाएगी, अगर किसी और सिटी से ऑर्डर करें तो 2-3 दिन में आपको इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आपने इस टेक्निक को अप्लाई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये टेक्निक आपको कैसे लगी। तो जनाब देखिए हमारी मॉडल की फाइनल लुक, चलते हैं आपको और दिखाते हैं उसकी फाइनल लुक।